हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट नंबर 2 है। कल हमने जो क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए पहले। वहाँ से आपको पता लगेगा कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए आपकी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लोज टेस्ट नंबर 2 है। देखिए, जो भी क्लोज टेस्ट आपके आजकल पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उसमें से एक दो बहुत आसान होते हैं, एक दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसा कुछ मिश्रण आपको मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर तरह के क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्लोज टेस्ट पहले आप स्क्रीन मतलब एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए क्या कह रहा है। एज शी स्टार्टेड हर लेक्चर, एज जैसे ही, शी स्टार्टेड हर लेक्चर, उसने अपना भाषण शुरू किया। जैसे ही उसने अपना भाषण देना शुरू किया, प्रिया वॉज अवेयर, तो प्रिया को पता था इस बारे में, दैट पीपल वर लिसनिंग टू हर, कि लोग जो हैं उसे सुन रहे थे क्वाइट डैश इस चीज से। कैसे सुन रहे थे अभी तक पता नहीं चलेगा आपको, थोड़ा सा आगे चलिए। वैसे तो बता दूं आपको मैं कि क्वाइट एक ऐसा एडवर्ब होता है जो आपको बताता है कि जो कुछ भी हुआ है वो पॉजिटिव ही हुआ होगा। इसका मतलब प्रिया को ये जानकारी थी कि उसका भाषण जो दे रही थी भाषण, वो उसको लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, है ना। ये नहीं कह सकते आप कि वो नेग्लेक्ट कर रहे थे, उसे इग्नोर, क्योंकि क्वाइट दे रखा है, क्वाइट पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, थिंग्स सीम्ड टू बी गोइंग क्वाइट वेल, यहां भी दे रखा है कि चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसका मतलब उसके भाषण को लोग सुन रहे थे और सही से पूरे ध्यान से सुन रहे थे। अगर ध्यान से सुन रहे थे तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका लगेगा। स्मूदली का मतलब होता है विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब बहुत आसानी से, बगैर किसी परेशानी के, उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथली। ये जो इंटेंटली है, इसका मतलब है पूरा दृढ़ता से, दृढ़ संकल्पित होकर, है ना, आपका इंटेंट है, आपका इरादा है, और आप बिल्कुल इसी इरादे से वहां पे आए थे भाषण सुनने के लिए, वही आप सुन रहे हो, उसको बोलेंगे इंटेंटली। इवनली का मतलब है समान रूप से, है ना, सिमिलरली कह सकते हो। क्लियरली का स्पष्ट रूप से होता है। तो भाषण सुनने के लिए क्लियरली तो खैर आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे वो वॉइस ऑडिबल थी कि नहीं, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, इसलिए इस क्लियरली को तो हटा दीजिए आप। इवनली का समान रूप से होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ। थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहां थोड़ा व्यवधान उसके स्पीच में आया नजर आएगा आपको, इसलिए ज्यादा सही विकल्प क्या होगा, इंटेंटली, कि लोगों का इरादा यही था कि उसका भाषण सुने, और बहुत ही इरादे से पूरे दृढ़ संकल्पित होकर वो उसका भाषण सुन रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वाइट इंटेंटली। आगे कह रहा, थिंग्स सीम्ड टू बी गोइंग क्वाइट वेल, चीजें ऐसा लग रही थी, प्रतीत हो रही थी कि बिल्कुल ठीक चल रही हैं, ठीक है। डैश हाफ वे थ्रू द टॉक, लेकिन जब उसकी आधी बातचीत हुई थी, आधे मतलब वो जब भाषण दे रही थी, डिलीवर कर रही थी स्पीच, तो आधे ही उसका भाषण हुआ था कि अचानक से उसको एक चीज यहाँ पे नजर आती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं। अब थोड़ा सा आगे देखो, कुछ चीजें यहाँ पे नया टर्न लेगी, नया ट्विस्ट लेगी, एक नया मोड यहाँ पे कहानी में है। तो जब चीजें सब कुछ एक अलग दिशा में चल रहा हो और एक नई दिशा में आप बात करते हो, तो वहां पे एक ऐसी चीज जोड़िए जो आपको कॉन्ट्रास्ट के लिए मदद करे। तो यहाँ पे वेरेवर दे रखा है, वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी हो, ठीक है। तो जहां कहीं भी के अर्थ में तो यहां पे तो ये आएगा नहीं। व्हेनेवर जो है इसका मतलब कभी भी, व्हेनेवर का मतलब क्या है, कभी भी। हाउएवर का मतलब फिर भी, और मोरओवर का मतलब होता है अधिक या अतिरिक्त कह सकते हो, इन एडिशन टू। मोरओवर का लिख लो, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो क्या कह रहे हैं, व्हेनेवर का जहां कहीं भी, व्हेनेवर का कभी भी, हाउएवर का फिर भी, और मोर ओवर का मतलब है के अतिरिक्त, ये इसका मतलब है। तो कह रहा है कि आधे ही, मतलब जो बातचीत उसकी आधी ही हुई थी कि उसने अपने फ्रेंड को देखा, उसकी फ्रेंड का नाम शिखा था, और शिखा अपने मित्र की तरफ देख रही थी। पाल यहां दे रखा है, पाल का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। अब जब आप किसी की तरफ देखते हो ना, तो उसके लुक के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, लुक के साथ जोड़ते हैं एट, ठीक है। जब आप किसी की तरफ देखते हो, डायरेक्शन आपका दिशा, जो आंखों का डायरेक्शन है वो किसी की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो वहां पे आप लगाते हैं क्या, एट। बाकी बचे ऑप्शन में लुक ऑपोजिट, ऑपोजिट करोगे तो टू लगता, फिर आगे थ्रू है, लुक थ्रू का मतलब इग्नोर करना होता है, ठीक है। इग्नोर तो खैर वो इसको कर रही थी जो स्पीच डिलीवर कर रही है, बल्कि अपनी दोस्त जो है उसकी तरफ तो वो शिखा जो है वो देख ही रही थी, तो यहाँ पे लुक एट ही सही होगा, इग्नोर नहीं होगा।
लुक ऑफ लगाना नहीं है, आपको कुछ होगा ही नहीं इसका, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा लुक एट। तो आधे ही उसकी बातचीत हुई थी कि उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी वो अपने शिखा जो उसकी फ्रेंड थी वो देख रही थी सुनीता उसकी दोस्त को, अपनी आंखें वो रोल करती है, रोल, अब यहां पे हालांकि रोल करते हुए ही कमिंग मिलेगा, लेकिन चूंकि ये सी दे रखी है ना क्रिया, सी की सेकंड फॉर्म, तो सी के साथ में हम बेस फॉर्म लगाते हैं, है ना, सी के साथ सीधा बेस फॉर्म, कोई भी काम अगर आगे आपको क्रिया जोड़नी है तो वही कारण है कि यहां लुक बेस फॉर्म है, फिर यहां रोल बेस फॉर्म है, यहां विस्पर बेस फॉर्म है। विस्पर का मतलब कानाफूसी करने को बोलते हैं, कान में कुछ कहने को बोलते हैं। तो शिखा को देखा इसने, तो शिखा क्या कर रही थी, अपनी दोस्त सुनीता को देख रही थी, अपनी आंखें रोल कर रही थी और कुछ कान में उसके कह रही थी, ठीक है। तो उसका ध्यान मतलब एक प्रकार से भटकाने की कोशिश यहां पे शिखा कर रही थी, प्रिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो हो गया इस फर्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए, प्रिया डैश अंडरस्टूड, अब प्रिया समझ गई कि शिखा जो है, अब शिखा के बारे में हो दे रखा है, जिसने जो कि अपसेट थी, जो दुखी थी, कब से, जब से उसका प्रमोशन हुआ था। किसका प्रमोशन हुआ था, प्रिया का, प्रिया का प्रमोशन हुआ तो जेलस हो गई है उसकी मित्र शिखा, तो वो समझ गई इस बात को लेकर। अब वो क्या कर रही थी, चूंकि उसके प्रमोशन को लेकर जेलस थी इसलिए अब वो इंटेंशनली मतलब इरादतन जानबूझकर डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रही थी, उसके भाषण में खलल डालने की कोशिश कर रही थी, ये इसका मतलब है। तो प्रिया कीनली, कीनली का मतलब होता है ईगरली, उत्सुकता से, अब उत्सुकता से समझ गई तो ये तो होगा नहीं यहां पे। अर्जेंटली मतलब अत्यावश्यक रूप से समझ गई, इमीडिएटली मतलब तुरंत समझ गई, और क्लेवरली का चतुराई से समझ गई, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा इमीडिएटली तुरंत, क्योंकि कीनली, अर्जेंटली, क्लेवरली यहां पे कुछ तर्कसंगत शब्द नहीं है। तो वो तुरंत समझ गई, जैसे ही उसने ऐसे देखा कि शिखा कुछ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, तो तुरंत समझ गई कि जब से उसका प्रमोशन हुआ है, चूंकि वो अपसेट थी इसको लेकर, तो वो अब डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रही थी, चूंकि देखो वॉज दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, और वॉज के बाद आपको लगानी है मैन वर्ब। और यहां आप एक बात और समझ लो कि शिखा की बात कर रहे हैं, तो शिखा यहां सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर दे रखा होता है पहले तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, और एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी कहां है, क्रिएटिंग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। क्रिएटेड तो तब लगाते जब पैसिव होता, क्रिएट्स और क्रिएट लग नहीं सकता वॉज के साथ, तो बचा आपके पास एक ही ऑप्शन, क्रिएटिंग पास्ट कंटिन्यूअस। तो वो समझ गई कि अब वो डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रही है इंटेंशनली जानबूझकर। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।